राम राम। आज हम लिंगाष्टकम का अंतिम श्लोक देखेंगे। लिंगाष्टकम का आठवां श्लोक। सुर र पूरा है इसलिए अ की ध्वनि दी है। सु छोटी मात्रा है। अंडरलाइन लगाने का मतलब यही है कि आपको इन दो को साथ में पढ़ना है। सुर गुरु सुर वर जो भी पूरा है उसमें अ की ध्वनि देनी है। अ की ध्वनि देने का मतलब र सुनाई आ रहा है। अ र ठीक है। सुर गुरु सुर वर पूजित। पू बड़ा है इसलिए पूजित। जी छोटी मात्रा है इसलिए ज्यादा जी को नहीं खींचना है। पूजित त पूरा इसलिए अ की ध्वनि दी। लिंगम सुर गुरु सुर वर पूजित लिंगम। सुर वन जो भी पूरा है सब में वही रूल अपनाना है। सुर वन पुष्प पुष्प आदर्श है पु के साथ। पुष्प पूरा पुष्प। सदा ये जो है ये है आधा र ठीक है। सदा के साथ पढ़िए सदा। फिर र जब इसके साथ पढ़िए तो क्या बचा चित। सदार चित लिंगम। परात ये आधा त इसके साथ पढ़िए। परात परम। ये जो बिंदी है ये आधे म की है आधा म। परात परम परात परम। पर मात मक। देखो क्या हुआ। पर र पूरा है पर माँ के साथ आधा था मात। म नीचे अकेली अंडरलाइन इसलिए क्योंकि इसको पूरा पढ़ेंगे। परमात्मक परमात्मक। लिंगम तत् त के नीचे हलंत मतलब ये त आधा है। तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम। अब हम इसको एक बार राग से गा लेते हैं। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम। सुरवन पुष्प सदा चित लिंगम। परात्परम परमात्मक लिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसका अर्थ देखिए। सुर सूर्य का अर्थ होता है देवता। गुरु देवताओं के गुरु। कौन है देवताओं के गुरु। बृहस्पति जी। तो उनके लिए ये शब्द यूज आया है। सूर्य वर वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और सूर्य का अर्थ अभी हमने बताया देवता। तो जो भी श्रेष्ठ देवता हैं और जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं उनके द्वारा जो पूजित हैं अर्थात जो उनकी पूजा करते हैं। कौन करते हैं। बृहस्पति जी और श्रेष्ठ देवता जिस लिंग की पूजा करते हैं। सुर वन सुर का अर्थ देवता। देवता वन का अर्थ होता है बगीचा। उस बगीचे के पुष्प से किसके देवताओं के बगीचे से के पुष्पों के द्वारा सदार्चित। ये सदार्चित दो शब्दों से मिलके बना है सदा धन अर्चित। अब सदा हमेशा होता है और आप इसको सदा ये इस तरीके से भी कई बार आ जाता है। सदा अर्चित जो जिनकी अर्चना किनके द्वारा की जा रही है। देवताओं के उद्यान से लाए हुए पुष्पों के द्वारा जिनकी अर्चना की जा रही है पूजा की जा रही है। पूजा भी यही है अर्चना भी वही है। थोड़ा सा मीनिंग में अर्चना पूजा एक ही बात होती है। उनसे उनकी अर्चना का मतलब अर्पित करने से लिया जा सकता है। इसलिए हम पुष्प है उद्यान से लेके आए और उनको भगवान लिंग को जो समर्पित किए जाते हैं। परात परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर वर का अर्थ बताया था श्रेष्ठ और परात परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मक जो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा क्या चीज होती है। परमात्मा वो है जिनका न आदि है न अंत है। मतलब ना वो हमारी तरह जन्म लेते हैं और ना ही उनकी हमारी तरह मृत्यु होती है। वो अजन्मा है हमेशा है शाश्वत है सनातन है हर युग में है हमेशा पूर्ण रूप से स्थित है। इसीलिए भगवान शिव के लिए परमात्मा का रूप शब्द का प्रयोग किया है। तत् उनको
प्रणमामि नमस्कार करता हूँ सदा हमेशा शिव कल्याण स्वरूप लिंगम लिंग। क्या अर्थ हुआ इसका? जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा पूजित हैं, जो देवताओं के वन से बगीचे से लाए हुए पुष्पों के द्वारा अर्चित हैं, अर्थात जिनकी अर्चना की जाती है, परात परम जो सर्वश्रेष्ठ हैं और जो परमात्मा है अर्थात जिनका न आदि है न अंत है, उन हमेशा कल्याण स्वरूप लिंग को मैं प्रणाम मैं नमस्कार करता हूँ। लिंगाष्टक मिदम पुण्यम, ये अंतिम चीज है। लिंगाष्टक, लिंगाष्टक मिदम पुण्यम, यह और ये जो है विसर्ग इसको पढ़ेंगे यह यह, थोड़ा साइलेंटली बोलेंगे यह। पठेत, त के नीचे हलंत यानी त आधा है, पठेत व पूरा शिव सन, ये जो आधन है इसको स के साथ पढ़ेंगे सन, फिर ये जो आधन है इसके साथ पढ़ लिया सन, तो बचा क्या पूरन है, पूरे न पे ई की मात्रा सन्नी, धौ औ की मात्रा है ध पे इसलिए क्या पढ़ा धौ, शिव सन्नी धौ लिंगाष्टक मिदम पुण्यम या पठित शिव सन्निधौ, शिव लोक म वाप्नोति, शिवेन जो पूरा है वहां अ की ध्वनि वही सारा रूल है, शिवेन सह मोदते। देखिए एक बार वापस देख लेते हैं, लिंगाष्टक मिदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ, शिव लोक म वाप्नोति, शिवेन सह मोदते। अब इसका अर्थ देखते हैं, मिदम यानी यह लिंगाष्टक, यह लिंगाष्टक यह जो पठेत पढ़ता है किनके, शिव सन्निधौ का अर्थ होता है निकट, शिवजी के निकट। अब शिवजी का शिवलिंग भी हो सकता है या शिवजी की मूर्ति भी हो सकती है, तो शिव के मतलब लिंग के निकट जो भी इस लिंगाष्टकम को पढ़ता है वह उसको क्या मिलता है, पुण्य, ये पुण्य मिलता है। शिव लोकम वापनोति, शिव जी के लोक को वो वापनोति का होता है प्राप्त करता है, शिव लोक को वह प्राप्त करता है, और शिवेन शिव जी के सह यानी साथ मोदते आनंदित रहता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जो भी इस पूरे लिंगाष्टकम के जो हमने पहले श्लोक से लेकर आठवें श्लोक तक देखा है, आप शिवलिंग के सामने अगर ये शिवजी के निकट उनके समक्ष इस लिंगाष्टकम को पढ़ते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, शिवलोक की